अपने फार्म से जो कि मेरे मायके में है। रक्षाबंधन के लिए मैं मायके आई थी, उसके लिए मैंने कहा चलो कब, मैं एक बार भी इस पर लाइव नहीं आई हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट ए लाइव वीडियो एंड शो यू। ये घास निकाला है पशुओं के लिए, आधी मक्खियाँ तोड़ तोड़ के ला रहा है। देखो एक मक्की ले आया, दो मक्की ले आया, अब ये तीसरी मक्की की तैयारी कर रहा है। इसमें होगी बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं इसमें छोट, फिर ये तो दोबारा तो खराब हो जाएगी। फिर अगर मान लो इसमें पतली पतली निकली, मोटा दाना निकला, तब क्या करेगा तू? तो इसको छोड़ एंड हेयर इज सम कैप्सिकम्स, और इसमें बीच में ये छोटे छोटे बीन्स हैं, लाइक बीन्स लगे हैं। और यहाँ ऊपर घर है मेरा, वहाँ से हम थोड़ा सा आए हैं इस तरफ। ये जो बीच बीच में शिमला मिर्च में सपोर्ट दे रखी है, ये बीन्स के लिए दे रखी है। रहन दे बेटे, आधी पहले देख तो ले, मम्मी से पूछ ले निकालनी है कहीं निकालनी। और आधी बहुत ही उतावला हो चुका है। अब मैं आपको एक झलक खड़े होकर दिखा देती हूँ। वो जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये तो घास के लिए रखा है सारा सारा, और ऊपर इधर मक्की लगी है। और ये जो बाउंड्री है, मीन्स ये खेतों के इधर उधर से जो बाउंड्री बना रखी है, ये की सारी जो है खरगोश के लिए बनाई है, क्योंकि खरगोश आते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये बनाई है। और इस पौधे को तो कौन नहीं जानता, भाई भांग का पौधा है। और जो ये वाला एरिया है, इससे नीचे वाले एरिया में भी हमारे खेत हैं, बट इतना ज़्यादा वो है तो फिर उससे दिख नहीं रहा है। यहाँ का मंदिर, और ये लो देखो आदि को, इसने जो मन में ठाननी थी वो करी ली। वाह जी वाह, अब तो तेरे को बड़ी मक्खी मिल गई। जरा तोड़ के दिखा, इसमें बड़े बड़े दाने हैं कि छोटे छोटे दाने हैं? सबको दिखा। और ये देखो आदि जरा सक्सेस होता है कि नहीं। हाँ, इसके दाने एकदम वाइट है और सॉफ्ट दाने हैं। शिमला मिर्च गन्ना भी खाते हैं, और इसको हम जिसके रूट्स ये वाले हैं, इसको हम गन्ने की तरह भी खाते हैं। पहले तो बहुत खाते थे, आज टेस्ट करके देखूंगी कैसे। और ये शिमला मिर्च है सारी, इसमें बीच में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो ये मोटे वाली है ये अचार की मिर्च है, और ये जो पतले वाली है ये है खाने वाली मिर्च। इसमें देखिए जो ये रेड है, मीन्स खाने वाली मिर्च को ऐसे ही लगा के रखेंगे। और देखो अगले वाले में, वाह जी वाह आदि, आदि तुम तो फटाफट तोड़ दिया। जो ये वाले मिर्च है, जब ये सारी लाल हो जाती है जैसे, फिर उसको तोड़ के सुखाने के लिए रख देते हैं। फिर जब वो सूख जाती है तो इसको स्टोर इजीली स्टोर करके रख देते हैं, मतलब साल भर, डेढ़ साल। एक बार सुखा के फिर इसको कूट के भी रख सकते हैं, और वैसे भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है। ये देखिए सारी सारी मक्की लगी है, और जो ये घास लगे हैं, मतलब इसमें तोड़े तोड़े बोलते हैं हमारे, ये हम काटेंगे पशुओं के लिए। और ये ब्यूल जो कि गाय दूध देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको काट के अगर आपकी गाय पे डालते हैं तो फिर गाय की जो दूध देने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आज जो हम कर रहे थे, हम इन खेत में घास की, मतलब घास उखाड़ रहे थे जो एक्सेस घास था, ताकि जो सारा पोषण है मिट्टी का वो इनको मिले, उसको ना मिले, वो हमने उखाड़ दिया है। और उसके दो फायदे हो जाएंगे, एक ये पशुओं के लिए काम हो जाएगा, और दूसरा इनका पोषण भी हो गया है। एंड मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और आऊँगी मैं अपने नेक्स्ट सेशन में लाइव। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अरे नेक्स्ट बार तो आएंगे। अब इसको मैं वो कैसे करूँ बंद? पक्की ठीक है। ओ यार कोई ऑनलाइन है।